गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे, तो मेरी मती मारी गई थी कि मैंने ऊपर वाला सीट बुक कर लिया था। तो मॉडल को तो उतार दिया सर ने, इनको एक अच्छा सा लहंगा पहनाएंगे। राम राम। पर फिर अपना तो गाइस ये चेक करो इसको कितनी जल्दी समोसा खाने की। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है अर्जुन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीएस प्रोडक्शंस। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि ठीक ही होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, क्योंकि मुझे आने वाले 2-3 दिनों तक एक वर्कशॉप अटेंड करना है। तो आज इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम ये आने वाले 3-4 दिन जो है कैसे बिताने वाले, वर्कशॉप कैसा रहता है, क्या रहता है, ठीक है। तो वर्कशॉप का मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है देखते, या पैसा बच जाता है तो देखते क्या होता है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अहमदाबाद के लिए, बट अभी अहमदाबाद के लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग अभी निकल रहे, मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अभी मैं कुछ ही देर में निकलूँगा, फिर ट्रैवल्स में जाके फिर बैठूँगा और फिर जाऊँगा। तो चलो देखते हैं आज हम कैसे जर्नी करते हैं आज से 4-5 दिनों की। तो मैं अहमदाबाद क्यों जा रहा हूँ, कौन सा वर्कशॉप है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाड़ी में बैठने के बाद में आराम से डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली बस में बैठने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बाद में। सो हम लोग फाइनली मालेगांव से निकल चुके हैं गाइस। तो मैं आ चुका हूँ बस के अंदर। तो आप लोग पहले चेक करो मेरा कंपार्टमेंट, क्योंकि अभी क्योंकि यहाँ पे शायद लाइट है बट लाइट जल नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग मेरा कंपार्टमेंट एक बार देख लो ऐसा है, ये कर्टन्स वगैरह लगाए ठीक ठाक है। बट अब मैं आप लोगों को बाहर से वो दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पहली बार स्लीपर कोच में बैठा हूँ यहाँ पे, ज़िंदगी में पहली बार। तो देखते एक, तो हमारी बस है कोचेस से, और आप जब भी स्लीपर का टिकट बुक करने जाओ तो अपर का कभी मत करना, लोअर का ही करना, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और सर घूमता है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे, तो अंदर तो अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे। तो आप लोग देख सकते हो कि अर्पित भाई सो रहे, ठीक है। तो आप लोग पहले रूम के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर मिलते हैं हम लोग। तो ये हमारे होटल के बाहर का नजारा है, हमारे होटल से कुछ ऐसा दिखता है। तो कैसे लगे आप लोगों को सिनेमैटिक्स, आए हो अच्छे लगे होंगे। तो मैं आप लोगों को गाड़ी में ही बताने वाला था कि मैं अहमदाबाद क्यों आ रहा हूँ और किस चीज़ के लिए, वर्कशॉप क्या चीज़ का है ना। तो सारी बातें बताने वाला था, बट अभी गाड़ी में इतने मेरे को जमा ही नहीं गाड़ी में बताने के लिए, क्योंकि गाड़ी में मेरी मती मारी गई थी कि मैंने ऊपर वाला सीट बुक कर लिया था। इतना जितनी गाड़ी भाग रही थी उतना मेरा सिर गोल गोल घूम रहा था, इसकी वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं कर पाया, शूट ही नहीं कर पाया, कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे मैंने, ठीक है। तो उसके बाद मैं रूम पे आने के लिए देर होगी, तो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने तैयारी वगैरह की, जल्दी से क्लास में गए। तो आप लोग देख सकते हो कि पसारा हमारा पूरा जैसे कि वैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो भाई तो सो ही गया था, फिर मैं बोला पहले रूम पे जाके वीडियो वगैरह शूट कर लेते, फिर जाके हम लोग भी आराम कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। आज भी दिन भर क्लास में बैठ के बहुत जान पे आ रही है, बट हम लोगों को वीडियो शूट करना पहले ज़रूरी था। तो मैं अहमदाबाद आया था वीडियो शूट के, मतलब सिनेमाटोग्राफी का वर्कशॉप था, तो इसलिए मैं अहमदाबाद आ गया था। तो कल रात का सफ़र तो था ही, बट आज भी दिन भर क्लास में बैठ के बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है, बहुत थक चुके हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा। तो अभी अहमदाबाद में हम लोग आज पहला दिन है, आप लोगों ने रूम वगैरह तो देख ही लिया है कैसा है क्या है सारी चीज़ें। तो देखते हैं अभी आगे के 3 दिन कैसे बीतते हैं हमारे, क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, या फिर हम जिस वर्कशॉप में आए वो कहाँ पर घूमने ले जाते हैं हम लोगों को, घूमने मतलब प्रैक्टिस के लिए कहाँ कहाँ ले जाते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ।
तो वीडियो में थोड़ी ऐसे लाइन लाइन आती होंगी, तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे ए पी ओ पी की लाइट्स लगी हुई है ना, तो इसकी वजह से वीडियो में ऐसे लाइट में बीच बीच में वो लाइन्स आ रही है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर ज़रा आराम करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं अमिताभ प्रैक्टिकल शूट करने आज, तो आज जो कुछ भी करने वाले वो आज हमारे अर्पित भाई बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग, आज हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं, तो कल ही शाम को सर ने हमें स्ट्रिक्ट बताया था कि 7 बजे निकलेंगे। अब ये जो हमारे विजय भाई राजस्थानी है, इनकी वजह से हम कहीं ना कहीं आधा घंटा लेट हो गए। तो मॉडल को तो उतार दिया सर ने, कल बोला था कि मॉडल लाएंगे, तो शायद उतार दिया या हमें तो नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आगे ये प्लान हो सकता है अभी नाश्ता करके कि विजय भाई को ही मॉडल बनाया जाए, इनको एक अच्छा सा लहंगा पहनाएंगे और इन पर ही प्रैक्टिकल शूट किया जाएगा। या तुम्हारी भाषा में बोलो ना, आज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो समोसा कचौरी कहीं भी देख ला, उसका बाद आगे बात करागा। जब वहाँ जावांगा, लोकेशन देखांगा, उसका बाद ही बतावांगा, फिर अगली बार वहाँ करागा। बट ओके, राम 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 राम। तो अभी हमारे अर्पित भाई, ये विजय भाई है चित्तौड़गढ़ से, तो आप लोग को कुछ बताएंगे। मैं क्या बताऊँगा यार, पहले तो हम अपना नाश्ता करेंगे और फिर अपना आगे आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम आगे हम जो भी करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत, और ये अपना भैया को सपोर्ट करें। तुमको अपना कसम होएगा इसको सपोर्ट करने का भाई लोग। लाइक एंड फॉलो बहुत करो यार, मैं कह रहा हूँ तुमको। तो भाई हम लोगों को अभी लग रही है बहुत ठंडी, क्योंकि ऐसी गाड़ी है, तो अभी हम लोग करने वाले कुछ जुगाड़ लग रहे भैया। तो हम लोगों को बहुत ठंडी लग रही थी, ये अभी ठंडी कम हो चुकी है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन था ना वो हमारी एसी में नहीं था, तो फिर हमने जुगाड़ कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मिलते हैं हम लोग अभी अगले लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग शूट करने जा रहे हैं। तो भाई जी चेक करो इसको, कितनी जल्दी समोसा खाने की। तो इतनी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो चुकी है समोसा खाने की। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग को आखिर में टॉयलेट मिल गया, बहुत ज़्यादा घूम के आए थे हम लोग।